दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि मंडी जयराम की नहीं है, मंडी मंडी के लोगों की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के लिए कुछ नहीं किया है, मंडी में सिर्फ सराज और धर्मपुर में ही काम हुए हैं, जिला के अन्य विधानसभा क्षेत्रों को कुछ नहीं मिला है। जिन योजनाओं के उद्घाटन जयराम ने किए वह सब पूर्व कांग्रेस सरकार के समय की है। मैं जयराम ठाकुर को चुनौती देता हूं, वह एक काम बताएं जिसकी घोषणा उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद की हो और उसका उद्घाटन भी किया हो। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष ने जो टिप्पणी की है उसे लेकर भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए। आप जानते हैं जयराम जी के सामने एसपी ने एएसपी को थप्पड़ मारा, एक हेड कांस्टेबल ने जो है एसपी को लात मार दी, सारा मामला रफा दफल हो गया। यहाँ ज्योति कांड जोगिंद्रनगर के भराड़ू में हुआ और ये साबित हुआ है कि एक आदमी का काम नहीं था, लेकिन कितने लोगों ने वहाँ जुलूस निकाला लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा। एसपी मंडी की उंगलियाँ चोरी हो गई घर से और कहाँ जाकर के मिलती है, ये भी कानून व्यवस्था का प्रश्न है। उल्लू में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे कैश के जो पूर्व प्रधान था और उसकी घरवाली वो भी प्रधान रह चुकी है, उनको किस बेरहमी के साथ पीटा और उसकी वहाँ चंडीगढ़ में मृत्यु हो गई। तो कानून व्यवस्था जयराम के सरकार में पूरी तरह चरमरा गई है और कानून व्यवस्था के बहुत बुरे हाल हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, हमने बार बार कहा है ये सरकार कदम कदम पे भ्रष्टाचार से समझौता कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ, इनके जो पार्टी अध्यक्ष है राजीव बिंदल से इस्तीफा देना पड़ा, उनके उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री को जो है मंत्री से हटा करके विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उस केस का क्या हुआ जहां सैनिटाइजर की 50 रुपए की बोतल 150 रुपए में खरीदी, 6 रुपए का मास्क आपने 16 रुपए में खरीदा, पीपी की जो है आपने जो है घटिया पीपी की महंगे रेट पे खरीदी, वेंटिलेटर आपने महंगे रेट पे खरीदा, उसकी जांच का क्या हुआ। तो इस तरीके से ये सरकार भ्रष्टाचार से समझौता कर रही है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है, ये भी कांग्रेस पार्टी का जयराम सरकार पर आरोप है। आप जानते हैं कि हमारे लोकसभा के उपचुनाव मंडी के और 3 विधानसभाओं के चुनाव जिसमें जुब्बल कोटखाई जो शिमला जिले में है, अर्की सोलन जिले में है और फतेहपुर कांगड़ा जिले में है, कांग्रेस पार्टी ने 4 दिन पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और मंडी से रानी प्रतिभा सिंह जी कल जो है अपना नामांकन दाखिल करेगी, आज शाम को आ रही है। और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिए हैं उनके सर्वेक्षण के बाद पूरा सर्वे करने के बाद जो जीतने की क्षमता रखता है जिसकी लोगों में अच्छी छवि है उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार थी थोक में विकास के काम किए हैं, कांग्रेस पार्टी प्रचून में विश्वास नहीं रखती विकास मामले में, थोक में विकास के काम किए हैं और मुझे पूरा पता है पूरा विश्वास है कि लोग जो है विकास के नाम पर कांग्रेस को वोट देंगे। जहाँ तक मंडी की बात है, मंडी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री का रहे, मंडी हमारी है, हमारी रहेगी। मंडी जो है जयराम जी की नहीं है, मंडी मंडी जिले के लोगों की है, मंडी जिले की वोटरों की है और मंडी जिले के वोटर जानते हैं
कि 4 साल के कार्यकाल में जयराम ने सिर्फ 2 चुनाव क्षेत्रों को छोड़कर के सबको परेशान किया है, निराश किया है, मायूस किया है, हताश किया है, क्योंकि 8 चुनाव क्षेत्रों में कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। ये ठीक है कि जयराम जी पिछले आप जानते हैं 5-6 महीने से जिन क्षेत्रों में जिन कंस्टिट्यूएंसियों में उपचुनाव होने थे उन्हीं क्षेत्रों का दौरा किया, कई घोषणाएं कर दी, लेकिन उन घोषणाओं पर जो है आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, BEd, BSc, BEd, B-Pharmacy, B-Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, M-Tech, M-Pharmacy, PhD. Contact for more details.